सोना दे विच एक सदी पुरानी शाही मस्जिद नूं एक हिंसक हमले का शिकार होना पिया। सैकड़े हिंदू गुंडियां ने पुलिस की मौजूदगी दे विच भी सतिकारयोग स्थान की भन तोड़ की। हफड़ा दफड़ी दे विचकार हालांकि उम्मीद की एक किरण उभर के उदों सामने आई जदों सिख भाईचारे दे मैंबर हीरो बन के उभर आए। जी हाँ, इत्थे सिख भाईचारे दे लोकां ने हिम्मत दे नाल परिवारां बच्चियां अते इस थां दे उपर मौजूद बीबियां नूं बचाया। उन्होंने हिम्मत दे नाल औरतां बच्चियां अते कई परिवारां नूं इस भीड़ दे भड़काऊ रवैये तों बचाया जो मुसलमान मौलवियां अते निर्दोष नौजवानां नूं लगातार निशाना बना रहे सी। अज असीं खड़े हां हरियाणा दे शहर सोना दे विच जिथे पिछले दिन तुसीं देखिया होना सोशल मीडिया से जो एक मॉब ने एक अपने मुसलमान भरावां दे उत्ते अटैक किया, मस्जिद से अटैक किया, तो किवें इन्होंने अपनी जान से खेल के उन्होंने मॉब तो उन्होंने मुसलमान भरावां तो बचाया। दुनिया भर के जिन्हों की तारीफ हो रही है तो उन्होंने किवें सिखी के सिद्धांत पहरा देते हुए अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने मॉबा तो मुसलमान भाईचारे को बचाया। साढ़े नाल वही परिवार वही अपने सिख वीर मौजूद ने। वीर जी, सानू थोड़ा दसो उस समय की होया सीगा, की हालात बने, एकदम तुहानू किवें पता चलिया कि ऐ हो रहा? हमें पता चला जो कि भाई पता नहीं कहाँ से बाहर से इधर उधर से आए हुए हैं, मस्जिद पे कोई हमला कर रहा है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमारे जो समाज के हैं पूरा समाज 60-70 के करीब वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद पुलिस भी अंदर नहीं जा रही थी। पुलिस जब हम वहाँ आए, पुलिस की भी हिम्मत करके हम उन्हें अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद वहाँ फैमिली थी, चार पांच फैमिलियों को हमने देखा कि भाई छोटे छोटे बच्चे उनके वहाँ तोड़ फोड़ काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया हुआ। वहाँ गए हम, उसके बाद हम जो बच्चे हैं वो लेडीज हैं जो कि हम उन्हें बाहर निकाल के लाए। बाहर निकाल के तो उसके बाद हमारे सिख उन्होंने एक प्रशासन के थ्रू और पुलिस के थ्रू उन्हें बाहर भेजा। आप बता रहे थे आपके लोग कि आपने पहले गाड़ियां भी मुहैया कराने की कोशिश की थी पुलिस को कि आप हमारी गाड़ी ले जाइए, इनको महफूज जगह पे पहुंचा दीजिए। जी जी, हमने पहले गाड़ियों की कोशिश की, फिर सरकार के पुलिस ने कही कि भाई ठीक है, ये ज्यादा है फैमिली, एक गाड़ी में नहीं आएंगे। कोई उन्होंने बस मंगाई, बस मंगाने के बाद वो सारी जितनी भी छोटे छोटे बच्चे और पूरी फैमिली है वो सेफ जगह पे पहुंचाई। उन्होंने इकट्ठ सी एक इकट्ठ यह जहा कि उन्होंने जो पर्से सन होर भी नाल कई चीजा सन जिदे करके पुलिस भी डर रही सी। अच्छा। वो कट सी। अच्छा। वो पुलिस एक 18-20 बंदे सी पुलिस दे, बाकी ओ दे ओ 80-100 के करीब सन। पुलिस वाले ने गुरचन भाई जिहड़े अग्गे अग्गे सीगे भाई नूं वेख के मैं जदों अग्गे पिछे गया, मैं कहा भाजी पिछे आ जाओ यार। ये कहिंदे यार नहीं यार चंगी नहीं है गल कि यार अग्गे जाना चाहिए सानू। साढ़े सारे बंदे मना करते सीगे यार अग्गे ना जाओ यार, हो सकता पुलिस तुहानूं वी फायरिंग कर देवे। असी अगे गए तो गुरुचंद भाई अगे अगे सी, मैं उन्होंने दस्या, मैं उन्होंने मगरे मगरे गया ही। तो उन्होंने पुलिस वाले ने सानू आख्या, गुरचंद भाई ने कहा कि भाई असी घट बंदे हाँ तो वो नाले वध ने, तो तुम इंज करो कुछ बंदे होर बना लो। तो नाले गुरचंद भाई ने तां आवाज़ दी, तो फिर साढ़े नाल के बंदे जड़े 70-20-25 बंदे गए तो उन्होंने घसीड़िया। फिर उन्होंने हाथ च कट्टे सीगे, उन्होंने हाथ च फरसे सीगे, फरसे तो बराबदी भी करवाए सा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, पिस्टल भी थी और पिस्टल भी सी, कट्टे भी उन्होंने जी वारदात की थी, गोलियां मस्जिद से भी लाइया ने, सट्टी भी बजी आ मस्जिद नू अगे लगी है जी, मगरे आ मस्जिद के सामने नहीं आ, सामने तो पिस्टल सी वो नाले फरसे फुरसे गड्डी गुड्डी आ गड्डी सट्ट मारी ने, गड्डी ने नुकसान जो गड्डी का होया है वो भी तुम वेख लेना। मार्केट च उत्थे कोई बस्ती नहीं रहिंदी है, ते नाले उहदा जिहड़ा नुकसान भी होया छोटी मस्जिद दा उहदे विच नुकसान होया है। ते असीं उहदा नुकसान मैं सुणिया सी कि भई मैं गया नहीं उत्थे, उत्थे मैं सुणिया सी भई तोड़ फोड़ भी कीती आ ते नाले थोड़ी बहुत अग्गे भी लाई आ। हुण तुहानूं असीं उह मस्जिद दिखाउने आ जिथे इहनां गुरू दे सिखां ने मुसलमान भरावां नूं बचाया सीगा मौत तों। तुहानूं असीं उह मस्जिद उह दिखाउने आ।
ਇਹੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੌਬ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਦਰੱਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਬ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਮਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆ, ਰਿਬਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਤੇ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੌਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੋੜਤੀ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਵਰਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ।